हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया हैज़ ऑलवेज बीन द पायनियर इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन. द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइक हैज़ ऑलवेज बीन द नंबर वन कंट्री बिकॉज जड़ा ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम लैके रिसेंटली बहुत सारी अनाउंसमेंट्स आई हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वालों. तो अज की जी मेन अनाउंसमेंट हैगी हैगी 485 वीज़ा होल्डर्स लैके तीन मेजर जिहड़ियां चेंजेस है. 485 वीज़ा होल्डर्स जिहड़े ऑफशोर सीगे 1 फरवरी 2020 तो बाद उन्हों का 485 वीज़ा एक्सपायर हो गया है. उन्होंने ऑपरचुनिटी मिलेगी 485 नवा पा की, जोड़ा कि उन्होंने सेम ड्यूरेशन का मिलेगा जोड़ा उन्होंने को पहला 485 होता है. इंडिया के भी 485 वीज़ा होल्डर वालों बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए थे. तो ये सल्यूशन है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का उन्होंने 485 वीज़ा होल्डर. दूजा मेजर चेंज मास्टर्स बाय कोर्स वर्क, जो तुम मेलबर्न सिडनी या ब्रिस्बेन रहने हो पहले तो 485 दो साल का मिलता सीगा, हुन उन्हें दो साल तो वधा के 3 साल का कर दिता गया. स्टूडेंट्स जिहड़े ट्रेड कोर्स कर रहे हैं या वैट सैक्टर के पढ़ रहे हैं जिन्होंने 1.5 साल का 485 ग्रैजुएट वर्क मिलता सी उन्हें वधा के 2 साल का कर दिता गया. जिहड़ा मतलब वो स्टूडेंट्स जिहड़े JRP कर रहे हैं उन्होंने भी बहुत वधिया ऑपरचुनिटी है, उन्होंने JRP करन का अपना पूरा टाइम अवेलेबल होगा. मेजर चेंजेस ने चेंजेस नू लैके ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज बैक इन द मार्केट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नू अट्रैक्ट करन लई 485 सौखा किया, इंटरनेशनल बॉर्डर्स खोलिया स्टूडेंट्स लई. तो जिदा कि आप पहला भी कहते रहे ऑस्ट्रेलिया नू स्किल्ड माइग्रेशन चाहिए है, तो हूँ तक 485 तक अनाउंसमेंट्स आई हैं तो बहुत जल्दी PR सौखी होंगी अनाउंसमेंट्स भी आन की. बहुत कॉन्फिडेंस है इस चीज़ नू लैके. जितना भी होर भी अपडेट आते थोड़े शेयर किए जाते हैं. धन्यवाद.